नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पिटारा और मैं हूं वंदना। बाढ़ के बाद भी प्रभावग्रस्त इलाकों में पानी भरने से अनेक बीमारियों का खतरा बना रहता है। हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कैसे करें इन बीमारियों से बचाव। पानी को उबाल लें या पानी में वो क्लोरीन टैबलेट डाल करके उसको आप आधे घंटे एक घंटे तक उस पानी को छनने दें, पानी को छोड़ दें। 20 लीटर पानी में एक टैबलेट डालना होता है, फिर छान करके उसके बाद उस पानी को पीजिए तो पीने के लायक होता है। सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाता है, हॉस्पिटल के अलावा आपके इसमें दुकानों पर मिल जाता है, मेडिसिन के दुकान पर मिल जाता है, वहां से ले लें। छोटे टैबलेट बहुत सस्ती टैबलेट होती है। खाने में क्या विशेष ध्यान रखना होगा? बासी खाना तो ना रखें, क्योंकि वो आपको कंटामिनेट कर जाता है, वो तुरंत प्रदूषित हो जाता है। दूसरा, ड्राई फूड होता है जो सूखा हुआ, चने का हो गया, चना गुड़ हो गया, मटरी हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन चलती है, तो इसका प्रयोग करना, इसको यूज़ करना, ये ताकत भी देता है शरीर को। ऐसे समय में जितने कैलोरी शरीर को ज़रूरत होती है मिलती है। खाने पीने के अलावा बच्चों का कोई विशेष ध्यान रखना होता है? सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए कि बच्चों को पानी के अंदर ना जाने दें। उनका पानी का बहाव किस तरह का होगा कुछ नहीं जानते, इनोसेंट बच्चे हैं, उनको पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। फिर लेकर आएंगे जानकारी पिटारा, तब तक आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।